नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग एक चैप्टर आपका देख चुके हैं, ये आपका दूसरा चैप्टर। याद रखिए, आपकी NCERT जितने भी कवर होती जा रही है वो सभी NCERT पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आपकी 6 से लेकर पूरी 12th तक की उसी में मिलेगी, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपका सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़िए और लास्ट में इसका निष्कर्ष बता दिया जाता है। जो लास्ट में निष्कर्ष होता है इसका, इस अध्याय का पूरा निचोड़ क्या है उसके बारे में समझा दिया जाता है। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है या कहाँ से आई हैं? तो सूक्ष्म जीव क्रियाकलाप 2.1। याद रखिए हमेशा कि जो भी क्रियाकलाप हुआ करेंगे इन्हें अच्छे से पढ़ के निकल जाना है। अब ऐसा नहीं कि आप प्रयोगशाला में क्रियाकलाप करते बैठ जाए, मालूम चला 2 से 4 साल इसी में गुजर गए, ठीक है, पढ़ना है और निकल जाना है। बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए, इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? एक तालाब पोखर से जल का कुछ बूंद लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन दोनों क्रियाकलापों में? इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इनमें से कुछ जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्तक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य भागों में या वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है आपके जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 और से 2.4 में दर्शाया गया है। ये देख ली, स्पाइरल जीवाणु, ये छड़नुमा जीवाणु, ये आपका क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगाइरा, अमीबा, पैरामीसियम, या आपका राइजोफस ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एस परजीलस, देख लीजिए, ठीक है। विषाणु, वायरस। विषाणु भी एक सूक्ष्म जीव सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधों अथवा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं, आपके वायरस। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाया गया, 2.5 में आपका विषाणु दर्शाया गया, देख लीजिए आपका विषाणु, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा, फ्लू हो गया, अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही होते हैं आपके। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो हो गया एवं खसरा भी विषाणु या वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग TB जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6वीं 7वीं में पढ़ चुके हैं। इन्हें याद रखा करिए कि कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है, कौन सा प्रोटोजोआ द्वारा, कौन सा जीवाणु द्वारा, क्योंकि ये 1-डे एग्जाम में और
प्रीलिम्स में भी आपका क्या है कि क्रम से लगाने के लिए अव्यवस्थित दे देते हैं, ठीक है, तो इन्हें याद कर लेना है आपको। आगे चलते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, बात करते हैं सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं आके। सूक्ष्म जीव एक कोशी कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक हैं। यह बर्फीली शीत से उष्ण यानी कि गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य से सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करें। मित्रवत सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, क्रैक बनाने, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा ही किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के में भी किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैसे क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आगे चलते हैं हम लोग। दही एवं ब्रेड का बनाना। आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते थे। दही में अनेक सूक्ष्म पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव पाए जाने जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, चीज, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक क्या है, दही। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वक में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। बात करते हैं क्रियाकलाप 2.3 के बारे में। एक बर्तन में 1/2 किलोग्राम आटा अथवा मैदा लीजिए, लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी मात्रा एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपके गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ यानी कि फूला हुआ पाया, ईस्ट पाउडर या फिर खमीर द्वारा उठी हुई मैदा? ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। ये बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं आपके। फिर बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। क्रियाकलाप 2.4। 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भरिए, इसमें दो से तीन चम्मच चीनी घोलिए। इसमें 1/2 चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्णता पर ढककर रख दीजिए और बिलयन को सूंघकर देखिए।
यह गंध एल्कोहल की है जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की अभिक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन, फर्मेंटेशन कहलाती जाती है। ठीक, लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। देख लीजिए ना, लुई पाश्चर। आगे बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में हम लोग लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे जीवाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से आपकी पेनिसिलिन बनाई गई। सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन 1929 में, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम, फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, बात करते हैं वैक्सीन या टीका। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, छह चेचक, हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारी के को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। आपने बचपन में पोलियो की दवा पी होगी या पोलियो का टीका लगवाया होगा तो इसका मतलब ये रहता है, पता है, कि उस समय आपने पोलियो की दवा पी ली। ठीक है, अब कभी भी आपको जिंदगी में अपने जीवन काल में पोलियो होता है तो वो लड़ने के लिए किस तरह आप लोग याद रख सकते हैं कि जैसे आप अपने बॉर्डर को ले लीजिए, पाकिस्तान भारत, या हम लोग पहले से ही हमें मालूम है कि ये पाकिस्तानी किस तरह से हमला करेंगे तो हम इस तरफ क्या करें, ये आपका पाकिस्तान है, इंडिया, तो हम अपने बॉर्डर पर अपने भारत में इस तरह से व्यवस्थित कर लें अपनी सेना को कि जब भी कभी जिंदगी में पाकिस्तान हमला करता है या पाकिस्तान उल्लंघन करता है किसी भी सीमा का तो हम लोग उनसे निपट सकें। जैसे ही पाकिस्तान से आतंकवादी जो भी घुसेंगे
हमारी सेना बैठी होगी, तुरंत वो सक्रिय हो जाएगी और निपट लेगी। इसी तरह आपका जो टीका रहता है पोलियो का, इसीलिए दिया जाता है कि जीवन काल में आपके कभी भी अगर आपका पोलियो वायरस आप पर हावी होता है तो वो उसे दबा दें। ठीक। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने 1798। आपने बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों की से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप को बच्चों दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका यानी कि वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का अनुमूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सके। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और उनकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल देख लीजिए। बात करते हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय की माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्रित करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते थे कि यह किस प्रकार हो सका। क्रियाकलाप 2.5 2.5। दो गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए और बी में चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथिन की थैली, कांच की खाली बोतलें एवं प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई परिवर्तन यानी कि अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अवशिष्ट का अवगठन हो गया है। यह कैसे हुआ है? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अवशिष्ट का अवगठन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि गमला बी की पॉलीथिन की थैली, कांच की खाली बोतलें, खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप एवं कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अवघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक उन दुर्गंधित पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें।
मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हैजरा हो गया, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस वायरस यानी कि बीजाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि छींकते वक्त हम अपने या तो रुमाल लगा लेते हैं या अगर कोई छींक रहा है तो उससे दूर हट जाया कहीं। ठीक, बात करते हैं कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों को रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका वही एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर में से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मदा एनोफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मदा एडिज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए ये आपका मच्छर, सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रोका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों, फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल के को एकत्रित ना होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग, इन्हें याद रख लीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। ये मानव रोग हो गए, रोग कारक सूक्ष्म जीव हो गए, संचरण का तरीका, बचाव के सामान्य उपाय हो गए। क्षय रोग ये किससे होता है? जीवाणु से, वायु द्वारा। इसका संचरण कैसे? वायु। खसरा वायरस से होता है, ये भी वायु से होता है। चिकन पॉक्स वायरस से, ये वायु या सीधे संपर्क मतलब फैलता है। पोलियो वायरस से, वायु या जल इसका संचरण का तरीका है। इसे उपाय की बात करें तो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना। हैजा ये आपका जीवाणु से होता है, इसका संचरण यानी कि फैलने का तरीका है जल भोजन। टाइफाइड जीवाणु से फैलता है, ये जल से फैलता है, जल के द्वारा दूसरे के पास पहुंचता है। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भले ही भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण इसके उपाय हैं। ठीक है, फिर है आपका हेपेटाइटिस ए, ये वायरस द्वारा फैलता है, इसका संचरण का जरिया है जल, इसका उपाय है उबले हुए पेयजल का उपयोग, टीकाकरण से। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, मच्छर से, इसका उपयोग मतलब इसे रोकने का क्या है समाधान? मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने की जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न होने न रहने में। मनुष्य में होने वाली कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने अथवा रोकने के कुछ उपाय तालिका दर्शाएंगे। ठीक है, देखिए जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं
में भी ये रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुहे का रोग वायरस द्वारा ही होता है। यानी देख लीजिए, रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथेक्स एंथेंस रोग का कारक है। बात करते हैं पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान आपके रोग हैं। ये आपके पादप रोग हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, या संचरण का या फैलने का तरीका हो गया ये, ठीक है। नींबू कैंकर जीवाणु द्वारा फैलता है वायु से। गेहूं की रस्ट कवक वायु एवं बीज। भिंडी की पीत वायरस कीट क्या है, वायरस से फैलता है कीट द्वारा एक जगह से दूसरी जगह। बात करते हैं खाद्य विषाक्तन। भूजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर में आने पर उसे वमन यानी कि उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तजन के कारण होने वाली स्थिति है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जा सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि कभी भोजन को संदूषित होने से बचा दें। खाद्य परिरक्षण अध्याय एक में हमने क्या देखा था, खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों पर के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले व नम स्थानों पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है और इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता है, यानी कि नहीं सड़ता है। वह भयभीत है। आइए हम खाद्य परीक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक तथा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक। जैम एवं स्क्वेश बनाने में इन रसायनों का उपयोग इन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। अचार में आपने देखा होगा। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है।
क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली अथवा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि हम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसलिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पॉस्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे पॉस्चरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे एवं तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील कर किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6वीं और 7वीं में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेगियम पौधे दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, याद कीजिए कि राइजोबियम लेगियम पौधे की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। नाइट्रोजन चक्र। देखिए आप, लेंगू पौधे की जड़ ग्रंथियां हैं। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, सबसे ज्यादा। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक घटक संघटक है, जो प्रोटीन, वर्णहरित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनके प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अवशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग किया होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। यह है आपका नाइट्रोजन चक्र, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक, फिर पौधों द्वारा अवशोषण, जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, फिर उसके बाद उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अवशिष्ट। इस तरह से आपका चक्र चलता रहता है। तो इस अध्याय में हमने क्या क्या जान लिया है? अगर इन शब्दों की आपको परिभाषा या ये शब्द होते क्या है समझ में आ गया, तो आपने अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इसमें आपने शैवाल के बारे में जाना है, तिथि जैविक के बारे में जाना है, तिथि रक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिलस, सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पाश्चरीकरण, रोगजनक, परिरक्षण, पोटोजोआ, राइजोबियम,
टीका, बीजाणु, ईस्ट या खमीर, इन सभी के बारे में जाना। अगर आपने अच्छे से ध्यान से सुना होगा लेक्चर तो इन सब के बारे में समझ में आया होगा। आपने क्या सीखा है? सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थलों से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एककोशिक एवं बहुकोशिक होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। बीजाणु इनमें से अलग हैं लेकिन फिर भी इन वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। बीजाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अवघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधे की जड़ों एवं तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जिसका क्या होता है, निर्मोचन वायुमंडल में होता है। याद रखिए, आपको एनसीईआरटी सभी बुक्स इसलिए पढ़ने के लिए कहा जाता है कि आपका बेस मजबूत हो। अब जैसे आप आगे जाएंगे, जो बेहतर किताबें हैं जैसे आपका एम लक्ष्मीकांत हो गया या फिर आपकी हिस्ट्री की हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, ये अगर आप पढ़ते हैं आगे तो आपको शब्द समझ में तो आना चाहिए। कभी आपसे पिति जैविक शैवाल, पिति रक्षी जीवाणु, वाहक, संक्रमक रोग, किडवन ये शब्द आ जाते हैं तो इनके बारे में आपको पता तो होना चाहिए। वहाँ क्या समझोगे आप? तो इसीलिए आपका बेस मजबूत करने के लिए बताया जाता है। इसी से संबंधित आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख लेना है। और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लेना। अच्छे से पढ़िए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा अच्छा कहानी का रूप दे दिया गया है, वो कुछ सब कुछ समझ में आ जाए, बस आपको धैर्य के साथ पढ़ना है। क्या आप जानते हैं, जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले से रह रहे थे। ये बहुत सख्त जीव हैं, इसलिए वे कठिन परिस्थिति में भी रह सकते हैं। वे मिट्टी के बर्तन में उबलते तथा ठंडे बर्फीले पानी में जीवित पाए जाते हैं। वे कास्टिक सोडा की झील और सान सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरे में पाए गए। वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं। वे संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। इस प्रकार का जीवाणु कैमरे पर देखा गया जो चंद्रमा पर 2 वर्षों से था। संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं है जिसमें जीवाणु जीवित ना रह सके। तो चलिए, ये था आपका दूसरा अध्याय, सूक्ष्म जीव मृत एवं सत्व। तीसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक के बारे में।